सेशन है, एक इंतहाई अहम डिस्कशन है, जिसपे के अगर मैं ये कहूँ कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं उनका दारोमदार है, तो गलत हो जाएगा। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम जरा माजी में जाएं, ये देखने के लिए कि हम क्या थे, क्योंकि तारीख से ये सिलसिला जुड़ा रहना चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम क्या करते थे, किस नहज पे थे, क्या हमारी स्ट्रेंथ थी, हम किस मंजिल पे पहुँचे थे और फिर कहाँ से हमारा वापसी का सफर शुरू हुआ। तो मैं तीन मिसालें आपके सामने रखना चाहूँगा, और क्योंकि आज बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे नौजवानों की है, तो उसमें बेशतर हजरात, बल्कि मैं समझता हूँ तकरीबन सभी को उन चीज़ों का इल्म नहीं होगा जो मैं बयान कर रहा हूँ। आपको ये सुन के यकीन नहीं आए कि लेट 50s अर्ली 60s में PIA का मुकाबला होता था यूरोप की बेहतरीन एयरलाइंस के साथ, अमेरिका की बेहतरीन एयरलाइंस के साथ PIA का मुकाबला होता था। आज तक मेरे पास लाइफ का मैगजीन रखा हुआ है जिसमें फुल पेज का PIA का इश्तहार है, जिसमें लिखा हुआ है यू हैव ऑलरेडी टेस्टेड लुफ्थांसा, गिव PIA अ ट्राई वंस। मिसेस जैकलिन कैनेडी जब एक प्राइवेट विजिट पे न्यूयॉर्क से पाकिस्तान आती हैं PIA की फ्लाइट इस्तेमाल करते हुए, तो उनसे जब रिपोर्टर्स ने पूछा वापसी में कैसा रहा ये सफर, तो उन्होंने कहा द ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद, और वो हमारा स्लोगन बन गया। ठीक, दैट्स द बैकग्राउंड ऑफ दैट स्लोगन। तो हम कहाँ थे जरा गौर फरमाइए, हमने तो लोगों को उड़ना सिखाया, हमने अपने किराए अपने जहाज दिए उनको, पेंट करके अपने पास ही पेंट करके उनको दो जहाज के लीजिए जी इनसे आवाज़ किया, अपने ट्रेन लोग उनको दिए पायलट्स और वापिस आए। PIA का एक प्रिसिशन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स कराची में मौजूद है, ठीक है, वहाँ पे जो रिसर्च हो रही थी जिसको अल्टीमेटली एविएशन इंडस्ट्री में जाना था, और उसकी मदद से पाकिस्तान को पता नहीं क्या ज़बरदस्त तब्दीली आनी थी, वो सब तबाही का शिकार हो गए, ठीक है, हमारी ना आकबत अंदेशी की वजह से। एक ही PIA का मामला हो गया। 60s के अर्ली पीरियड्स पे 62 होगा या 63 होगा मेरे ख्याल में, सुपार को पाकिस्तान ने बगैर किसी बैरूनी मदद के रैपर अव्वल रॉकेट लॉन्च किया, ठीक है, आज भी आपको रिपोर्ट्स में मिल जाएगा, सुपार को के रिपोर्ट्स में मिल जाएगा, विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा, और शायद ChatGPT पे भी मिल जाएगा। कम्प्लीटली इंडिजिनस एफर्ट, किसी की उसमें कोई मदद शामिल नहीं थी, वो हमारे इंजीनियर्स ने हमारे साइंटिस्ट ने लोकली डेवलप किया था, और वो इस पूरे रीजन में हम पहले थे पकड़ने में। ये है हमारा पोटेंशियल, ये अल्लाह की खुदादाद सलाहियतें हैं जो अल्लाह ने पाकिस्तानियों को अता फरमाई। और तीसरी बात जो है वो फिर मैं वही कहूँगा कि हमारे नौजवान सुन के यकीन नहीं करेंगे कि अर्ली 60s में, टू बी एग्जैक्ट मैं कहूँगा 64-65 में, लाहौर में सिमाई कंडक्टिंग डिवाइसेस प्रोड्यूस होती थी। ओके, कंपनी का नाम था एलमैक। एलमैक का जो था वो आई हुई थी फिलिप्स और कैरियर टेलीफोन इंडस्ट्रीज पाकिस्तान के ताबन से, और वो सिमाई कंडक्टिंग डिवाइसेस बना रहे थे जिनको के मिलिट्री कम्युनिकेशन में भी इस्तेमाल होता था। दैट वॉज अवर पोटेंशियल, और उस वक्त पूरे रीजन में कोई मुल्क नहीं था जहाँ पे कि सिमाई कंडक्टिंग डिवाइसेस प्रोड्यूस होती थी। मैं सन 80 में जब अमेरिका में अपनी MS कर रहा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में और माइक्रो प्रोसेसर्स वगैरह में, उस वक्त मुझे रोना आता था, मैं आपसे बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, अपने दिल की, कि मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आते थे मेड इन मलेशिया,
मेड इन इसराइल, मेड इन वगैरह वगैरह। पाकिस्तान का वहाँ पे क्या था, उस लेबोरेटरी कायची थी सियालकोट की गली में। तो हाँ, किस लेवल से हम किस लेवल पे पहुँच गए थे, 65-64 से 1980 की बात करते हैं, तो ज़रा हमारा तनाजुल देखें, स्पीड देखें हमारी, कि किस बुरी तरह हम पीछे आए। और ये कौन लोग हैं जिन्होंने हमें ये किया? लाहौर में जब ट्रेन चलती थी, लाहौर करीब आने वाला होता था, तो एक बटाला इंजीनियरिंग कंपनी होती थी, जिसको एक साहब ने उसको नेशनलाइज करके बीको में कन्वर्ट कर दिया। तो वो बीको की उसकी जो बाउंड्री है वो ख़त्म नहीं होने को देती थी किसी को। ट्रेन चलती जा रही है और वो बीको की बाउंड्री नहीं ख़त्म। इतना बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप था जहाँ पे लोकली प्रोड्यूस्ड मटेरियल बनता था। ठीक है, कोई नई चीज़ नहीं है, पाकिस्तान के पास वो सलाहियत मौजूद है, पाकिस्तान को जिस चीज़ की ज़रूरत है आज, वो लीडरशिप है, एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल है, एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की विल है। मैंने एक काम किया है कि मैंने IEEE के चेयरमैन के हैसियत से मैं बयान कर रहा हूँ कि हमने गुज़श्ता तकरीबन 18 महीने में तीन बड़े पैमाने पे तीन पैनल डिस्कशंस किए हैं मेक इन पाकिस्तान के मुताबिक, जिसमें बड़ी तफसीली बहस हुई है और एक वे फॉरवर्ड भी मुतय्यन हुआ है किसी हद तक, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो हमारे इसमें मैं समझता हूँ, मैंने एक वर्किंग पेपर तैयार किया है, आप जो लोग भी उसमें इंटरेस्टेड हों, आई वुड लाइक टू शेयर दैट वर्किंग पेपर विच वेरी सून मे बी इन नेक्स्ट 2-3 डेज आई एम गोइंग टू सेंड टू द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, बिकॉज दे आर ए वेरी बिग स्टेक होल्डर। आई एम गोइंग टू सेंड इट टू KCCI एंड अदर्स, पाकिस्तान इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड भी है उसके अंदर, और बहुत सारे इदारे भी हैं जिनका उसमें मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। देखिए, एक बात और बहुत अहम हमें 2-3 बातें समझ लेनी चाहिए। पहली चीज़, टेक्नोलॉजी कभी ट्रांसफ़र नहीं होती। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, वर्ल्ड बैंक फंडेड और एशियन डेवलपमेंट बैंक फंडेड, उसमें क्लॉज होती थी कि जनाब आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे, देयर ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, यू हैव टू स्नैच द टेक्नोलॉजी, कोई आपको प्लेट में रखते नहीं थे, कोई प्रेजेंट नहीं करेगा। तो दैट इज़ द सिचुएशन। इस वक्त हमारे पास बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बड़े एक्टिवली, तो मैं समझता हूँ कि उनकी मैंने अपने कहीं जिस हद तक इंक्लूड हुआ है, मैंने निशानदेही की है उस वर्किंग पेपर में, और फिर उसको लेके डेफिनेटली आगे बढ़ना होगा। बहुत बड़ा काम है करने के लिए और वो किया जा सकता है। थैंक यू। कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि मेड इन पाकिस्तान, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जिसको मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग ने समझ लिया, क्योंकि रोटरी के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि क्योंकि दुनिया में बहुत जगह मुझे ट्रैवलिंग का मौका मिला, मैंने देखा कि वो कौमें, आप कोरिया की मिसाल ले लें, आप जापान की मिसाल ले लें, आप सिर्फ बांग्लादेश की मिसाल लें, हमारे यहाँ हम सब कुछ कर सकते हैं, अल्लाह ने इस पाकिस्तान को हर नियामत से नवाजा है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम हमेशा दूसरी तरफ देख रहे होते हैं चीज़ों के बारे में। अगर ये सारी चीज़ें जो ये बना सकते हैं और जो कुछ कर सकते हैं, और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि रिजवान में इतनी एनर्जी है और इतना यंग ये हैं कि ये अगर इस बात को लेके चलेंगे तो ये बहुत बेहतरीन इख्तिताम पे पहुंचेगा, इनके लिए बहुत सारी तालियां जरूर बजाएंगे।
इन्होंने मुझे आते ही बड़ा खूबसूरत किस्म का परफ्यूम दिया था जो इनकी अपनी प्रोडक्ट थी। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, चेक कराया, तो सबने ताज्जुब किया, कहने लगे ये पाकिस्तानी नहीं हो सकता। मैं कहा नहीं भाई, ये बिल्कुल पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में। बेसिकली इंजीनियरिंग करने के बाद फौज में जाने का इत्तेफाक हुआ कोर ऑफ इंजीनियर्स के अंदर, और वहाँ से निकलने के बाद फिर मैंने मुख्तलिफ जगहों पर चीज़ें देखी। शुरू से ही मेरा कॉन्सेप्ट था कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर ख़ास तौर से, कि हम जो कुछ प्रोडक्ट बाहर से इंपोर्ट करते हैं, अगर ये सारी इंपोर्ट्स तकरीबन 360 इंडस्ट्रीज कनेक्टेड हैं कंस्ट्रक्शन से, इन 360 इंडस्ट्रीज में से कोई एक इंडस्ट्री ऐसी नहीं है कि जिसका प्रोडक्ट पाकिस्तान में तैयार ना हो सके। अगर आप ये समझ लें कि ये जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की हम बात करते हैं कि इतना बूम हो गया, वो क्यों हो गया? वही एल्युमिनियम, वही पीवीसी जो हम यहाँ बहुत आसानी से प्रोडक्ट कर सकते हैं, और आज नहीं, आज से 25 साल 30 साल पहले से, लेकिन हम आज भी इस बात पर देख रहे होते हैं कि बाहर से मंगाना, सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। और आप यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, मेरा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है कि प्रीकास्ट कंस्ट्रक्शन मिसाल के तौर पर एक ऐसा शोभा है कि जिसमें 30 मंजिला बिल्डिंग आपको ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में तैयार मिल जाएगी, और उसका हर प्रोडक्ट वो ज़मीन पे बैठ के तैयार हो। जब ये पाकिस्तान स्टील मिल ने काम शुरू किया तो मैंने उनसे ये कहा कि जितने भी ब्रिजेस यहाँ बनते हैं, ये इलेक्ट्रिकल पोल्स जो हम पे खर्च करते हैं कि स्टील में खर्च करें, ये आराम से कंक्रीट में बन सकता है और हम पाकिस्तान में इसको बना सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई, मैंने ख़ासतौर से इसरार किया, ये मुझे अपने पैनल में शामिल नहीं कर रहे थे रिजवान साहब, तो मैंने कहा यार मुझे थोड़ा सा मौका देना मेरे दोस्तों से, बच्चों से, छोटे भाइयों से बात करने का, और मैं उनको ये बताऊँ और ये कहूँ कि देखें आज आप जब अपने यहाँ से जाएँ तो अपने दिल से एक यकीन लेकर जाइएगा, एक एतमाद से जाइएगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये हम उल्टा रिवर्स गियर में चल रहे हैं। आज से 15 साल पहले 20 साल पहले चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो प्लास्टिक इंडस्ट्री हो, कुछ भी चीज़ें हों, वो हम कहीं ज़्यादा थे, और आज 15 साल बाद, और हर चीज़ का इल्ज़ाम मैं बहुत माजर से शायद कुछ लोग मुझसे इतफाक ना करें, गवर्नमेंट पे मत डाला करें, गवर्नमेंट पे छापा मत लगाया करें कि जी गवर्नमेंट ने मना कर दिया। नहीं जी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट कोई नहीं, ये काम आपके अपने घर का है, ये आप खुद कर सकते हैं। अभी ये बच्चियाँ बैठी हैं गारमेंट इंडस्ट्री में, अगर ये खुद अपनी डिज़ाइनिंग खुद करना शुरू करें, ये पूरे यूरोप को मात कर, देव गॉट दी टैलेंट। बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है कि टैलेंट होना चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में न सिर्फ ये कि मादनी ज़राए मौजूद हैं, बल्कि मैन पावर की वो स्किल है। अभी हमारे गवर्नर साहब यहाँ बैठे हैं, हनीफ खान साहब, अब इनका जो टैलेंट है और इनकी जो एक्सपर्टीज़ है, वो इनकी उम्र से मैं समझता हूँ कि कम से कम 50 गुना ज़्यादा, 100 गुना नहीं कहा है मैंने, याद रखी, और ये 100 गुना हो जाएंगी एक आध साल में जब तक ये चलते रहेंगे उस हवाले से। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहूँगा, और ये कि लोग मुझसे अक्सर शेरों की फरमाइश करते हैं, तो ऐसे मौके पर एक शेर के, वाए नादानी कि तू मोहताज साकी हो गया, वाए नादानी कि तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, महफिल भी तू, महमिल भी तू, यानी हर चीज़ तुम खुद हो लेकिन साकी के मोहताज हो। साकी तो क्यों मोहताज है, सब कुछ तो आपके पास है, सब कुछ तो आपने करा, तो जब आप सब कुछ कर सकते हैं तो फिर इसके बाद हम दूसरी तरफ क्यों मुंह करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।